नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी शो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं एक आपको ऐसा विषय बताता हूं जिसके बारे में बहुत लोगों के मन में कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा चलता रहे। अब लोगों के मन में क्वेश्चन क्या चलता है? हम लोग कुंडली देख के बोलते हैं कि आपके पास धन अच्छा रहेगा, हम कुंडली देख के बोलते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपकी हायर एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, आपकी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, आपके घर में कोई कलह या इस तरह की मृत्यु कारक कष्ट आपके घर में नहीं होगा, आपका भाग्य उदय होगा, पिता से संबंध अच्छे होंगे। तो ये सब बातें हम किस आधार पे बोलते हैं कुंडली, यानी जो कुंडली के फल मिलते हैं वो किस बेसिस पे मिलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना चाहिए और जिसको समझना अत्यंत आवश्यक है। जो एक बार आप समझ गए तो आपको प्रेडिक्शन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी कुंडली की प्रेडिक्शन बहुत आराम से कर सकते हैं, बस केवल वही पैरामीटर आपको याद रखें। तो आज मैं आपको वही पैरामीटर बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और जिसको समझना हम सब लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक। तो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं आपके सामने, आसानी रहे पढ़ने में। फल कैसे मिलते, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि कुंडली में विभिन्न भावों के फल को हम कैसे ज्ञात करें कि फल हमें कैसे मिले। तो देखिए, फल कैसे मिलते हैं ये डिपेंड करता है भाव के, यानी अगर हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो पहला भाव, हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो पांचवा भाव, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो चौथा भाव, विवाह की बात कर रहे हैं तो सातवां भाव, कष्ट की बात कर रहे हैं तो आठवां भाव, रोग ऋण शत्रु की बात कर रहे हैं तो छठा भाव। तो ये देखना हमें जरूरी है कि हमारा भाव, अब भाव कैसा है ये कैसे देख, भाव कैसा है मतलब कि भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, अशुभ ग्रह है या शुभ ग्रह है, किस भाव का स्वामी बैठा हुआ है वहां पर, भाग्येश है लग्नेश है कौन बैठा हुआ है, ये भी हम लोगों को चेक करना है। भाव पे भाव के स्वामी की दृष्टि है या नहीं, क्योंकि भाव बहुत मजबूत हो जाता है अगर उसके स्वामी की उस पर दृष्टि हो। भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा है या नहीं, भाव बहुत मजबूत हो जाता है अगर उसमें कोई उच्च का ग्रह बैठा हो। तो सबसे पहले तो हमको भाव कि भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, भाव में किन ग्रहों का प्रभाव है और भाव में कैसा है भाव, मतलब अच्छा भाव है या भाव कमजोर है, ये हमको चेक कर। दूसरी बात हमको चेक करनी है भावेश, भावेश कैसा है यानी उस भाव का स्वामी, उस भाव का स्वामी भावेश कहाँ गया, केंद्र त्रिकोण भाव में गया है, लाभ भाव में गया है या छठे आठवें बारहवें भाव, छठे आठवें बारहवें भाव में जाएगा तो नुकसान होगा, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि किसी भी भाव का स्वामी यदि छठे आठवें बारहवें भाव में जाए तो उस भाव की हानि होगी, तो वो भी हम लोगों को चेक करना है कि केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में हो तो बहुत अच्छा, तीसरे भाव में भी चल जाता है, दूसरे भाव में भी चल जाता है, लेकिन छठे आठवें और बारहवें भाव में ग्रह भावेश का जाना अच्छा नहीं। फिर देखते हैं कारक, हर भाव का एक कारक है, स्थिर कारक। कारक को यूं समझिए कि एक सोसाइटी बनी, जैसे नाम रख देते हैं सोसाइटी वृंदावन सोसाइटी। अब वृंदावन सोसाइटी में बहुत सारे घर बने हुए हैं, फ्लैट बने हुए हैं, वृंदावन सोसाइटी मान लिया मिस्टर राजेश की है और उस सोसाइटी में किसी एक का घर, कोई मान लिया कोई दिनेश जी हैं, उनका एक घर है, तो दिनेश जी तो हैं वो तो भावेश हुए क्योंकि वो उस घर के स्वामी है, और कारक जो हुए वो सोसाइटी के मालिक क्योंकि उन्होंने मिस्टर राजेश क्योंकि उन्होंने सोसाइटी की देखभाल करनी, सोसाइटी में सब कुछ ठीक ठाक से होता रहे, मेंटेनेंस ठीक होता रहे, लिफ्टें ठीक चलती रहे, तो वो सब चीज वो देखते हैं। तो इसी प्रकार से हर भाव का एक कारक भी होता है जो ओवरऑल इफेक्ट रखता है उसके ऊपर, और हर भाव का एक स्वामी होता है, जो राशि वहां पे होती है उसका स्वामी उस भाव का स्वामी, दाता ग्रह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, देने वाला ग्रह कौन सा है वो भी आपको ध्यान रखना है। भाव भावेश और कारक तो आपने देख लिया, देने वाला ग्रह कौन सा है, जिस प्रश्न को आप पूछ रहे हो धन को पूछ रहे हो तो धन देने वाला ग्रह कौन सा है, अगर स्वास्थ्य को पूछ रहे हो तो स्वास्थ्य देने वाला ग्रह कौन सा है। हर ग्रह की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक है, हर ग्रह के अपने कारकत्व है, ये हम सब जानते हैं, तो यह भी देखना बहुत जरूरी है। अब कैसे देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि हमारे हर भाव के कारक, जैसे पहले भाव का कारक सूर्य, दूसरे भाव का कारक गुरु, ये हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको आगे ही बताऊंगा। इसी प्रकार से स्थिर कारक, ये स्थिर कारक कहलाते हैं, इसी प्रकार से चर कारक जो प्रश्न के हिसाब से चेंज हो। तो दाता ग्रह कुछ और नहीं है बल्कि ये भाव का कारक ही है, ये कारक स्थिर कारक भी हो सकता है, चर कारक, चर कारक का मतलब चेंज होने वाला, प्रश्न के हिसाब से चेंज। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल, चौथे भाव का कारक चंद्र है जो प्रॉपर्टी भाव का, लेकिन अगर आपको व्हीकल लेना है, कोई लग्जरी व्हीकल लेना है तो उसके लिए दाता ग्रह शुक्र को भी देखेंगे आप, क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य का कारक है। तो इसलिए आपको ये चार चीज देखनी होंगी, भाव, भावेश, कारक, दाता ग्रह, और दाता ग्रह आपका कारक भी हो सकता है और दूसरा कोई ग्रह भी हो। कारक के केस में भी आपको वही देखना है कि वो पाप कतरी में ना हो, केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में गया हो, छठे आठवें बारहवें भाव में ना हो, तो ये आपको चीज देख। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक भाव और दूसरा भाव, भाव और दाता, भाव बल और दाता ग्रह। भाव बल क्या हुआ, उसमें भाव भी आ गया, भावेश भी आ गया, कारक भी आ गया, और दाता ग्रह कौन सा ग्रह है, दाता ग्रह वो बता। आपको उदाहरण से मैं आपको आगे समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा, वो थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी समझने में उससे। जैसे ये कुंडली आप देख रहे हैं,
पहला भाव, पहले भाव से तन देख, पहले भाव से धन भी देख। ये कैसे? देखिए, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तन ही धन है, स्वास्थ्य ही धन। तो इसलिए पहला भाव तो ओवरऑल भाव है, कुंडली स्वयं हो आप, इससे आप सब कुछ देखते। तो पहले भाव से अगर आपको स्वास्थ्य देखना है तो क्या देखेंगे आप? पहला भाव देखेंगे कि भाव पे क्या प्रभाव है, किन ग्रह बैठे हैं, उच्च का ग्रह बैठा है, नीच का ग्रह बैठा है, अशुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, नैसर्गिक रूप से किन ग्रहों की दृष्टि है भाव के ऊपर, वो चेक करेंगे। फिर भावेश देखेंगे कि भावेश कहाँ है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, या लाभ भाव में है, या 6-8-12 में गया है। फिर कारक होता है सूर्य, उसको देखेंगे, क्योंकि पहले भाव का कारक सूर्य है, मैंने कहा सोसाइटी का मालिक सूर्य है पूरा। इसी प्रकार अगर वेल्थ देखना हो पहले भाव, तो पहला भाव देखेंगे, भावेश देखेंगे, कारक सूर्य तो है ही है, उसके अलावा गुरु को भी देखेंगे, क्योंकि गुरु धन का कारक है, तो गुरु इसमें दाता ग्रह हुआ जो धन का कारक, तो दाता ग्रह इसके अंदर गुरु भी। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ और आगे समझिए। लग्न का कारक, लग्न आरोग्यता है, सूर्य। दूसरा भाव धन है, कारक गुरु है। तीसरा भाव बल है, कारक मंगल, मंगल बल दे। चौथा भाव सुख और माता का है, कारक चंद्रमा। पांचवा भाव विवेक का है, कारक गुरु है। छठा भाव शत्रु का है, कारक मंगल है। सातवां भाव सांसारिक सुख भोग का है, कारक शुक्र है। आठवां भाव आयु का है, कारक शनि। नवा भाव भाग्य का है, धर्म का है, कारक कौन है? गुरु। भाग्य और धर्म गुरु के ऊपर डिपेंड। दसवां भाव कर्म का है, बुध है कारक। यहाँ बहुत कंफ्यूजन है लोग, कोई दसवें भाव का कारक शनि को बोलते हैं, कोई सूर्य को बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई मंगल को भी बोलते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन अगर इस एक स्थिर कारक की बात करें तो वो बुध है। क्योंकि बुध, आप फलदीपिका अगर पढ़ें तो उसमें साफ लिखा है कि हमारी कार्य क्षमता जो दिखाता है वो बुध, वर्क एफिशिएंट। और दसवां भाव वर्क का है, कर्म क्षमता का है, कार्य क्षमता। 11वां भाव लाभ है, आय है, उसका कारक गुरु। और 12वें भाव का कारक शनि। तो ये हमारे स्थिर कारक हो, जो हमारे डिफरेंट भावों को स्थिर। अब ये स्थिर कारक के अलावा कुछ चेंज भी हो जाते हैं जो प्रश्नों के हिसाब से, क्योंकि हमने भाव देखना है, भावेश देखना है, कारक देखना है, कारक मीन्स स्थिर कारक, और फिर दाता ग्रह देखना, दाता ग्रह मीन्स चर कारक, जो प्रश्न के हिसाब से। तो चार चीज देखनी है आपने कुंडली का फल देख, भाव, भावेश, कारक, स्थिर कारक और चर का। जैसे पहला भाव अगर हम देख रहे हैं तो पहला भाव देखा हमने, पहले भाव में राशि कौन सी है? 2 नंबर, तो शुक्र देखा हमने, भावेश शुक्र हुआ। तीसरा कौन सा भाव देखा हमने? कारक, कारक कौन है? वो सूर्य हुआ। आरोग्यता देखते हैं पहले भाव। चौथे भाव से क्या देखते हैं? प्रॉपर्टी। तो हम भाव को देखेंगे, चौथे भाव के स्वामी को देखेंगे, कौन है चौथे भाव का स्वामी? इस कुंडली में बनता है सूर्य, तो हम सूर्य को भी देखेंगे, वृषभ लग्न की कुंडली है ये। तो चौथा भाव देखेंगे, सूर्य को देखेंगे, चंद्रमा देखेंगे, क्योंकि चौथे भाव का कारक चंद्रमा है, स्थिर कारक, पीछे वाली स्लाइड के अंदर मैंने आपको पढ़ा। अब प्रॉपर्टी डिपेंड कर, घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, सिंपल घर बनाना है आपने भाई, कहते हैं ना लोग, कुछ लोग घर पे इच्छा तो बहुत अच्छा है, आपने एक सिंपल घर बनाना है तो गुरु दाता ग्रह जो होगा वो गुरु होगा, चर कारक। आपने फ्लैट लेना है तो चर कारक मंगल होगा, यानी आपने फ्लैट अगर लेना है तो आप सूर्य देखेंगे, भावेश देखेंगे, भाव देखेंगे, चंद्रमा देखेंगे और मंगल देखेंगे। आपने लैंड परचेज करनी है, मान लिया एग्रीकल्चर लैंड परचेज करनी है या जमीन परचेज करनी है, तो क्या करेंगे आप? भाव देखेंगे, भावेश देखेंगे, कारक चंद्रमा देखेंगे जो स्थिर कारक है, और साथ में शनि देखेंगे जो आपका दाता ग्रह। इसी तरह वाहन का शुक्र होता है कारक, दाता ग्रह। स्कूल जो बनते हैं उनका दाता ग्रह बुध होता है। अगर आप स्कूल निर्माण की बात, तो आप भाव देखिए, चौथा भाव देखिए, चौथे भाव का स्वामी देखिए, कारक देखिए चंद्र, और साथ में बुध को। अगर आप धर्मशाला बनाना चाहते हैं, प्याऊ बनवाना चाहते हैं, तब चौथा भाव देखिए, चौथे भाव का स्वामी देखिए, चौथे भाव का स्थिर कारक चंद्रमा देखिए और गुरु, क्योंकि धर्मशाला का दाता ग्रह गुरु। हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो स्थिर चर कारक हमारा चंद्रमा, चंद्रमा को देखना पड़ता है। फार्म हाउस लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे देखिए, अगर आप फार्म हाउस लेना चाहते हैं, क्योंकि फार्म हाउस होता है लग्जरी संबंध, फिर क्या देखेंगे? चौथा भाव देखेंगे, चौथे भाव का स्वामी को देखेंगे, चौथे भाव का स्थिर कारक चंद्रमा देखेंगे और साथ में शुक्र देखेंगे। इन चारों ग्रहों को देखने के बाद हम बताएंगे कि भाई ये फार्म हाउस ले पाएगा या नहीं ले। अच्छा, अब आपके मस्तिष्क में एक बात आती होगी कि भाई दसवें भाव का मैंने कारक बताया है बुध, आप कहते हैं शनि भी होता है। हाँ, शनि भी, वो क्यों होता है? क्योंकि शनि काल पुरुषी कुंडली में दसवें भाव का स्वामी है, इसलिए शनि को भी दसवें भाव का कारक मान, स्थिर कारक के रूप में। फिर मैं आपसे कहूंगा कि दसवें भाव का स्थिर कारक के रूप में सिर्फ चंद्रमा को बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन हम शनि को लेके चल सकते हैं, क्योंकि शनि जो है वो दसवें भाव का स्वामी होता है काल पुरुष की कुंडली। हम सूर्य को भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि सूर्य दशम भाव में दिग्बली है। हम मंगल को भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए आपको पराक्रम की आवश्यकता, तो मंगल भी। इसलिए दसवें भाव के कारक जो हो गए, या मंगल भी हो गया, सूर्य भी हो गया, बुध भी हो गया, शनि भी हो। इसी प्रकार सातवें भाव का कारक शुक्र, स्थिर कारक। अब सातवां भाव पति को ही बताता है, सातवां भाव पत्नी को ही बताता है, तो पति की बात हो रही है तो हमें देखना पड़ेगा गुरु, और पत्नी की बात हो रही है तो हमें शुक्र। इसी प्रकार नवा भाव, नवे भाव का कारक स्थिर कारक मैंने गुरु बताया आपको, पीछे भाग्य है, धर्म है, लेकिन पिता भी है। पिता को कौन इंडिकेट करता है? सूर्य। तो नवे भाव का कारक सूर्य को भी ले सकते हैं, अगर हम पिता की बात कर रहे हैं तो नवा भाव देखेंगे,
नवे भाव का स्वामी देखेंगे, नवे भाव का कारक गुरु देखेंगे और साथ में सूर्य, कि सूर्य उसका दाता ग्रह। मैंने कहा कि चर कारक जो है बेसिकली, या कारक कारक और चर कारक दाता ग्रह हो सकते। तो ये था हमारी फल कैसे मिलते हैं इसके बारे में, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।